हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल देखे थे। ठीक है, तो आप उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपका एक और कॉन्सेप्ट है एंगल्स के रिलेटेड, उसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एडजेसेंट एंगल। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? अब एडजेसेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? नियर बाय, और जो बाजू में होता है। ठीक है, तो आपके बाजू में कौन बैठा है वो। तो देखो, इसका मतलब क्या हो एडजेसेंट का, पहले मैं आपको फिगर के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो एक ये एक रे है और एक ये कॉमन पॉइंट है, ये एक एंगल बन गया। इसको मानो ए बी सी, ठीक है, और यहां से एक और रे ऐसा ओरिजिनेट हो रहा है। तो एक ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। एक एंगल मतलब ये डबल वाला एक एंगल और एक सिंगल वाला दूसरा एंगल। तो दोनों एंगल में कॉमन चीज क्या है? देखो, दोनों एंगल को ध्यान से देखना, पहले ये पार्ट को देखो और फिर ये पार्ट को देखना। अब दोनों में पाओगे एक कॉमन रे है। क्या है? एक कॉमन रे, देयर इज अ कॉमन रे। कौन सा रे कॉमन है दोनों के एंगल? देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लुक केयरफुल। एक ये एंगल की बात कर रहा हूँ और दूसरा ये एंगल की बात कर रहा हूँ। दोनों में एक कॉमन पार्ट ये है एसी, तो मैं लिख सकता हूँ एसी दोनों में कॉमन है। और एक कॉमन पॉइंट है, या कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कॉमन वर्टेक्स है। वर्टेक्स का नाम क्या है? ए। और नॉन कॉमन आर्म है, और दो नॉन कॉमन आर्म है। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, एक है ए बी, दूसरा ए डी। ठीक है, इतनी पार्ट है, क्लियर? ये पार्ट है। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो आप डेफिनेशन लिखो आप अपने पहले। एडजेसेंट एंगल आर टू एंगल्स आर एडजेसेंट। कब बोलेंगे आप? जब इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या है? ए। ठीक है, एंड अ कॉमन आर्म। यहाँ पे कॉमन आर्म क्या है इस केस में? ए सी आपका कॉमन आर्म है दोनों में, है ना? ये एंगल में भी ए सी आ रहा है, ये एंगल में, तो आपका कॉमन आर्म हो गया। एंड द नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म आर, करप कर दू, आर डिफरेंट साइड, डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। देखो, कुछ जरूरत नहीं है। देखो मतलब क्या, बहुत सिंपल है। डेफिनेशन कंप्लीट लग रहा है, जब मैं बताऊंगा कैसे फाइंड करना है आपको बहुत आसान लगेगा। देखो, क्या होना चाहिए? एक कॉमन आर्म होना चाहिए, तो ये कॉमन आर्म ये दिख रहा है। एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ये दिख रहा है। और दो अनकॉमन आर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो, दो एंगल कौन से होंगे? एंगल सी ए बी, एक एंगल ये, दूसरा एंगल डी ए सी, डी ए सी। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए। क्लियर? तो एडजेसेंट का मतलब बहुत सिंपल था, जो एकदम बाजू में होती है। ठीक है, तो एक दूसरा फिगर देखो, आप खुद बता दोगे एडजेसेंट है कि नहीं। एक एंगल ये है और दूसरा एंगल मान लो ऐसा है। तो ये दोनों क्या हो गए? नाम मैं बता रहा हूँ, ए बी डी और सी। तो यहाँ पर कौन सा एंगल एडजेसेंट होगा? डी ए बी और सी ए डी, डी ए बी एंड सी ए बी। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट होंगे। क्लियर? अब डेफिनेशन को रफ कर देते हैं। एडजेसेंट मतलब समझ में आ गया। अब देखो, मुझे बताना, एक बड़ा फिगर बना रहा हूं मैं। ये एक एंगल है ए बी डी। क्या जो क्वेश्चन में पूछा होता है ध्यान से देना। डी ए बी मतलब कौन सा एंगल? डी ए बी दिस एंगल एंड पी ए बी, क्या ये दोनों एडजेसेंट है? इज दिस टू एडजेसेंट? नो। क्यों? क्योंकि देखो, दोनों में कॉमन वर्टेक्स तो है ए, है ना?
लेकिन कॉमन आम नहीं है, दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है? आम नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि देखो डी ए बी ये एंगल है, सी ए बी ये एंगल है, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक लाइन कॉमन है, ठीक है, कॉमन आम नहीं है दोनों के बीच में, बराबर, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट नहीं होंगे। एडजेसेंट कैसे होते हैं? जिसमें दो कॉमन आम हो एक ही है, जैसे कि एडजेसेंट, इस केस में एडजेसेंट क्या होगा? सी ए बी एंड डी ए सी, ये पार्ट एंगल और ये एंगल एडजेसेंट होगा, क्लियर? अच्छा, तो बहुत सारे एडजेसेंट हो सकते हैं, देखो इस केस में ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट, ठीक है, बट ये और ये एडजेसेंट नहीं होंगे, क्लियर? एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो अगला जो है ना आपका कॉन्सेप्ट, वो है आपका देखो इस फिगर को वापस देखेंगे, ये अगर मेरा पॉइंट बी है, ये ए है, ये डी है और ये सी है, ठीक है, तो ए बी डी एंड बी डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है, आर एडजेसेंट। तो अगर मुझे सपोज दैट मुझे एंगल ए बी सी लिखना हो, क्या लिखना हो? एंगल ए बी सी, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट एंगल डी या एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल डी बी सी होगा, क्यों? देखो अगर मान लो ये पूरा एंगल 120 है और ये मान लो 70 है और ये 50 है, तो दोनों को प्लस करने पे 120 आ रहा है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? कंप्लीट एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, क्लियर? ये याद रखना, आप ऐसा लिख सकते हो मैथमेटिकली। अब देखो एक अगला कॉन्सेप्ट है लीनियर पेयर का, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही काम का है, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या हो? लीनियर पेयर का मतलब ये होता है इफ नॉन कॉमन, देखो नॉन कॉमन आर्म लाई ऑन द लाइन देन इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो मैं समझाता हूँ लीनियर पेयर, देखो मान लो एक एंगल ये है ए बी, ये हो गया आपका सी, और दूसरा एंगल ऐसा बन गया आपका ये पॉइंट डी, तो ये दोनों एडजेसेंट है कि नहीं? है ना, क्योंकि ये वर्टेक्स है और ये कॉमन आर्म है और ये दोनों अनकॉमन आर्म डिफरेंट साइड लाई कर रहे हैं, तो ये एंगल एंगल सी ए बी और दूसरा जो एंगल है एंगल सी ए डी, दोनों एडजेसेंट है, बट यहाँ पर क्या है जो नॉन कॉमन आर्म है ना, मतलब ये आर्म और ये आर्म दोनों एक लाइन पे लाई कर रहे, मतलब स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे, तो ऐसे टाइप को ये एडजेसेंट टाइप है, बट ये स्पेशल केस है एडजेसेंट टाइप का, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइन पे लाई कर रहे और यहाँ पर एक टर्म है लाइन, समझे? लीनियर पेयर क्यों बोलते? क्योंकि ये दोनों लाइन पे लाई कर रहे, इसलिए बोलते हैं लीनियर पेयर। तो समझ में आ गया? लीनियर पेयर कभी भूलोगे नहीं, लीनियर के अंदर क्या आता है? लाइन आता है, तो मतलब नॉन कॉमन आर्म कहाँ लाई करने चाहिए? लाइन के ऊपर, ठीक है, तो लीनियर पेयर बोल। इसका एक और कंडीशन है, लीनियर पेयर में क्या होता है? अगर दो एंगल लीनियर पेयर में तो दोनों का सम 180 होता है, देखो ये पूरा एंगल क्या होगा? 180 होगा ना, स्ट्रेट एंगल, मैंने बताया था स्ट्रेट एंगल के बारे में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल सी ए बी ये एंगल प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू 180, आप याद रखना, सम ऑफ द टू लीनियर पेयर एंगल, ये दोनों एंगल क्या थे? लीनियर पेयर एंगल इज 180, ये एंगल तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, तो भी उसका सम 180 होगा। तीन कैसे होंगे? मान लो यहाँ पर एक और एंगल घुस गया कोई, तो ये तीनों मिला के लीनियर पेयर बन रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? 180, क्लियर? तीनों का सम भी 180, समझ में आया? लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर, वो सम कितना है, वो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर पेयर में सम कितना होता है? 180, और लाइक एक लाइन पर लाइक करते हैं उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर इस केस में कौन से लीनियर पेयर हो जाएंगे? सी ए बी
और डी। तो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर पेयर ए सी बी ये एंगल प्लस बी सी डी ये एंगल, ये दोनों क्या थे, लीनियर पेयर, दोनों का सम 180। ठीक है, क्लियर। अब लीनियर पेयर का हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम चलते एक और एंगल जिसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या नाम है फ्रेंड्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो उसका मतलब क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं आपको बता दूंगा, बहुत इजी है, देख के आप बता दोगे। देखो ये एक दो लाइन है, तो यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं, नॉर्मली चार एंगल आपको दिख रहे होंगे, चार से भी ज्यादा एंगल है, पर नॉर्मल क्या है, चार एंगल। ये को नाम दे दो ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक, इसको दे दो डी। देखो लीनियर पेयर का मतलब वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के अपोजिट हो। मतलब देखो ये एंगल ए ओ बी दिख रहा है, उसके अपोजिट में क्या है, मतलब ये एंगल के सामने क्या है, सी ओ डी है ना, तो ए ओ बी और सी ओ डी कैसे हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट। अगर जहां पर भी एक्स बनता है, क्या बनता है एक्स, तो वहां पर वर्टिकली एंगल अपोजिट बनते हैं, ए ओ बी और सी ओ डी, याद रखना आपको, एक्स मतलब वर्टिकली अपोजिट। और मुझे बताना ए ओ डी का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, ए ओ डी ये एंगल हुआ ना, इसके अपोजिट में क्या है, बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी, तो वर्टिकली हो जाए। क्लियर, कौन सा वर्ड याद रखना है, ए बी सी डी का एक्स याद रखना, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट मतलब एक्स, क्लियर, वर्टिकली अपोजिट का कॉन्सेप्ट। हाँ और एक बात याद रखना, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ पर ए ओ डी विल बी इक्वल टू बी ओ सी, या पढ़ाऊंगा मैं आपको, थियरम है, ठीक है। तो अभी आप जस्ट याद करो ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। जैसे लीनियर पेयर में दोनों का सम कितना होता है 180, और इसमें दोनों कैसे होते इक्वल, तो ये सब प्रॉपर्टीज है, यू शुड रिमेम्बर, क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखो आगे आगे तो दो टाइप की लाइन बताई गई है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या, दोनों जो अगर इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये सब इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक है, इसको कुछ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी ना, क्योंकि पैरेलल लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग होती है, ऐसा ऐसा, तो नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल लाइन, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल लाइन, क्लियर। ये दो टाइप की लाइन के बारे में बताया। तो अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो है आपका एक्सियोम 6.1। 6.1 और 6.2 दोनों एग्जाम को डिस्कस करेंगे, दोनों सेम ही है, बस एक दूसरे का कन्वर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जियोम 6.1, तो एग्जियोम को याद है क्या है, एग्जियोम्स आर द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट आर एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, ठीक है, हमने यूक्लिड में पढ़ा था। तो देखो पहला एग्जियोम क्या कहता है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, प्रो फॉर्म इज 180। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, वेरी इजी एकदम। देखो अभी आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या लिखा, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, मतलब एक लाइन बना दो, ये बन गई फर्स्ट लाइन, ठीक है, इसके ऊपर एक रे खड़ा है, मतलब रे ऐसा है, ये रे आ गया इसके ऊपर, मान लो ये रे बन गया इसके ऊपर, वो ले लो इसको पॉइंट। देखो इफ अ रे स्टैंड ऑन लाइन, एक लाइन है, इसके ऊपर रे खड़ा है, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल प्रो फॉर्म इज 180। यहाँ पे दो एंगल बन रहे, ये दोनों एंगल बन रहे, ये दोनों एंगल, तो दोनों का सम क्या होगा, 180। मैं लिख सकता हूँ सी ए इक्वल टू 180। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया था लीनियर पेयर में, देखो ये दोनों लीनियर पेयर भी है, क्योंकि दोनों लाइन रे कहाँ है, लाइन के ऊपर है, तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, अगर एक रे लाइन के ऊपर स्टैंड है, तो उसके दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180।
एडजेसेंट है ना ये दोनों एंगल, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सियोम 5.6.1। अब 6.2 क्या है, बस इसका कन्वर्स है, कुछ नहीं है 6.2 में भी। देखो 6.2 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, तो रिवर्स स्टेटमेंट को लिखेगा, टू एडजेसेंट एंगल एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। इसमें क्या है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन नाम ऑफ द एंगल फॉर्म द लाइन। तो मैंने बताया था ना, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो ये दोनों जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं ना, ये और ये लाइन बनाएंगे उसका कन्वर्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है समझना, कन्वर्स है, ये क्लियर। एक्सियम 6.1 और 6.2। अब आगे चलते हैं आपका, अब आगे क्या है आपका थियरम है 6.1 थियरम। 6.1 थियरम क्या कह रहा है, थियरम नंबर 6.1, थ्योरम क्या होते हैं, इट इज द स्टेटमेंट दैट दैट वी प्रूफ यूजिंग एक्सियोम एंड पोस्टुलेट। जो हम लोग प्रूफ करते हैं एक्सियोम और पोस्टुलेट की मदद से, उसको बोलते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या, देखो, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, समझ लो थ्योरम के फॉर्म। देखो अगर दो लाइन, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, लाइन ए बी एंड लाइन बी सी, ए बी एम सी डी, ठीक है। ये दोनों लाइन सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए, तो यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। मतलब एक ये वर्टिकली अपोजिट बन गया, दूसरा ये बन गया, तो आप क्या लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट तो पता है ना आपको, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तो जिसमें एक्स बनता था ये केस में हो गया, ये दोनों एक्स बन रहे, तो ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, पहला आपको ये मिल जाएगा। दूसरा दूसरा और कौन सा वर्टिकली अपोजिट है, ए ओ डी, जो मैं साइन दिखा रहा हूँ ना वो दोनों इक्वल होंगे। ए ओ डी किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू बी ओ सी, क्लियर। तो ये आपका थ्योरम है, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट होगा मैं करवाऊंगा, इसका ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी और ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, तो आपका यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट क्लियर गया। तो इतने कॉन्सेप्ट से हम लोग, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया ना, इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आप थोड़ा रिवाइज कर लेना, तो याद रखना क्या वर्टिकली अपोजिट होता है, क्या लीनियर पेयर होता है, एडजेसेंट एंगल, ऑल दिस, ठीक है।